लाखों की संख्या में किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? न्याय के लिए कर रहे हैं। आज नौजवान भटक रहा है। आज का नौजवान 20 साल पहले गांव से वो पढ़ता नहीं था, लिखता नहीं था, कॉलेज नहीं जाता था, पर 20 साल में आज का नौजवान पढ़ लिख लिया, कोई इंजीनियर बन गया, किसी ने MBA कर लिया। ये ना गांव का रहा ना शहर का रहा, उसकी कितनी पीड़ा है। और यही नौजवान आज जो भटक रहा है, इसके हाथ में हमारे प्रदेश का भविष्य। आज रोजगार का कोई नाम निशान नहीं, कोई निवेश मध्य प्रदेश में नहीं। ये आज हालात है। और मैं तो नौजवानों से कहूंगा कि जिनकी आंखें बंद है, कान बंद है, उनको आप ये सच्चाई दिखाइए। हमारी लड़ाई आपको कोई माफी नहीं मांगनी, आपको तो सच्चाई दिखानी है। सच्चाई दिखानी है, सबकी आंखें खोलनी है कि आज हमारा किसान कहां जा रहा है, हमारा नौजवान, हमारा छोटा व्यापारी, हमारी आर्थिक गतिविधि चौपट होने जा रही है। ये जो रोशनी दिखती है हमारे कृषि क्षेत्र से पैदा होती है। ये बाजार चलता है, किराने की दुकान बाजार गांव में चलती है, किराने की दुकान, जब किसान के जेब में कुछ पैसा होता है, क्रय शक्ति होती है, खरीदने की ताकत होती है, तभी वो भोपाल या इंदौर के बाजार में आता है। ये आज आपको बात समझनी है, सबको समझाना है। ये मीडिया की राजनीति, शिवराज सिंह जो बड़े माहिर हैं, हर चीज को एक इवेंट बनाएंगे, हर चीज को इवेंट बनाएंगे। अभी मोदी जी तो गुरुद्वारा भी चले गए, देखा सरदार सिख भाई हमारे आंदोलन कर रहे हैं, चलो गुरुद्वारा जाते। जब भी इलेक्शन आता है पाकिस्तान की बात शुरू कर लेते हैं, जब भी बिहार में इलेक्शन आया चीन की बात शुरू कर ली। ये ध्यान मोड़ने की राजनीति में माहिर है, ध्यान मोड़ने की राजनीति, गुमराह की राजनीति। पर हमारा नौजवान, मुझे पूरा विश्वास है हमारा नौजवान समझदार है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।